नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। मैं हूं जगदीश वाघेला। दोस्तों, हम कच्ची भाषा सीख रहे हैं, आपने सब कच्ची भाषा सीखी रहा छे। आज का वीडियो में कच्ची भाषा में पालतू प्राणी, गुजराती में पालतू प्राणी, इंग्लिश में पेट एनिमल्स, और जैसे कि हम बोलते हैं हमारे आसपास देखे जाने वाले प्राणी मतलब एनिमल्स, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, भेड़, रेबीट, ये सब हम हमारे घर में भी पालते हैं। तो उन एनिमल्स को हम कच्ची में कैसे बोलते हैं वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जो दोस्तों मतलब मेरी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल में हम कच्ची भाषा के बारे में हम सीख रहे हैं। इससे पहले हमने 1 से 8 पार्ट बनाए कच्ची सीखने के लिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप मेरी चैनल पर सब्सक्राइब करके वो सारे वीडियो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम न लेते हुए हम कच्ची भाषा में हमारे आसपास पालतू जो प्राणी हैं, पेट एनिमल्स, उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे, उसका सेंटेंस में भी प्रयोग करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, जानते हैं फिर। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे गाय। गुजराती में गाय, हिंदी में गाय, इंग्लिश में काउ बोलेंगे, और कच्ची में इसको बोलेंगे गौ। जियो गौ नहीं, गौ। क्या बोलेंगे? गौ। चलिए अब हम सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। आ अमारी गाय छे गुजराती, यह हमारी गाय है हिंदी, दिस इज आवर काउ इंग्लिश। अब कच्ची में कैसे बोलेंगे? ही असां जी गों आए, ही असां जी गों आए, गों आए, ही असां जी गों आए। ठीक है, चलिए जानते दूसरा पेट एनिमल्स के बारे में। चलिए दूसरे नंबर पर है घोड़ो। गुजराती में घोड़ो, हिंदी में घोड़ा, इंग्लिश में उसको बोलते हैं हॉर्स, और कच्ची में क्या बोलेंगे उसको? गोड़ो, गोड़ो। कच्ची में बोलेंगे गोड़ो। चलिए वाक्य में हम देखते हैं, घोड़ा पर सवारी करवानी मजा आवे छे। गुजराती में घुड़सवारी करने का मजा आता है हिंदी में, इंग्लिश में इट्स फन टू राइड ए हॉर्स, इट्स फन टू राइड ए हॉर्स। अब कच्ची में कैसे बोलेंगे? घोड़े पर वे ने फेरे जी मजा अच्छे, घोड़े पर वे ने फेरे जी मजा अच्छे, घोड़े पे वे ने फेरे जी मजा अच्छे, फेरे मतलब फरवानी, वे मतलब बेसवानी, मजा अच्छे मजा आवे, घोड़े पर वे ने फेरे जी मजा अच्छे, घोड़ा पर सवारी करवानी मजा आवे छे। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं नेक्स्ट नंबर। तीसरे नंबर पर है बकरी। गुजराती में बकरी, इंग्लिश में गॉट, हिंदी में बकरी बोला जाता है, कच्ची में भी उसको बकरी बोला जाता है, बकरी। ठीक है, चलिए वाक्य में प्रयोग करेंगे। बकरी नू दूध नाना बाड़को माटे खूब सारूं, बकरी नू दूध नाना बाड़को माटे खूब सारूं, हिंदी में बकरी का दूध छोटे लड़कों के लिए बहुत अच्छा होता है, छोटे बच्चों के लिए। गॉड्स मिल्क इज वेरी गुड फॉर लिटिल चिल्ड्रन, इंग्लिश। अब कच्ची में बकरी जो खीर, खीर मतलब दूध, ने डे मतलब नाना, छोकरे ला खासो होए, खासो मतलब अच्छा सारू, बकरी जो खीर ने डे छोकरे ला खासो होए। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, बकरी जो खीर ने डे छोकरे ला खासो होए। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं नेक्स्ट नंबर पर। चौथे नंबर पर है भैंस। भैंस को गुजराती में भैंस कहवाए, हिंदी में भैंस बोलते हैं, इंग्लिश में बोल लेंगे बफेलो, और इंग्लिश के बाद हम जानेंगे कच्ची। कच्ची में क्या बोलेंगे? मैं, एम ही लिखा है लेकिन मी नहीं, मैं। कच्ची में क्या बोलेंगे भैंस को? मैं। चलिए वाक्य में प्रयोग करेंगे। हमारी भैंस घणु दूध आपे छे गुजराती में, हमारी भैंस ज़्यादा दूध देती है हिंदी में, आवर बफेलो गिव ए लॉट ऑफ मिल्क, इंग्लिश। अब कच्ची में कैसे बोलेंगे? असांजी, अवर मतलब असांजी, में, एमी में, गणे खीर देती, खीर मतलब दूध, गणे मतलब ज्यादा वधारे,
असांजी मीं घणे खीर देती, असांजी मीं घणे खीर देती। चलिए जानते हैं नेक्स्ट नंबर के बारे में, चलिए जानते हैं नेक्स्ट एनिमल के बारे में। बिलाड़ी, बिलाड़ी गुजराती माँ, बिल्ली हिंदी में, उसको बोलते हैं कैट इंग्लिश में, कच्छी में बोलेंगे मिन्नी मिन्नी मिन्नी, ठीक है, कच्छी में बोलेंगे मिन्नी। चलिए वाक्य में प्रयोग करेंगे, बिलाड़ी ना नख मोटा होए छे गुजराती माँ, बिल्ली के नाखून बड़े होते हैं हिंदी में, कैट्स हैव बिग नेल्स इन इंग्लिश। अब कच्छी में क्या बोलेंगे, मिन्नी जा नो वड्डा होए, नो नो एनो नो मतलब नख नेल, ठीक है ना, मिन्नी जा नो वड्डा होए, वड्डा मतलब बड़े, होए मतलब होए छे, ठीक है, मिनी जा नो वड्डा होए, ठीक है दोस्तों, मिनी जा नो वड्डा होए, मिनी मतलब बिल्ली, कच्ची में बिल्ली को मिनी बोलते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हम जान रहे हैं कच्ची लैंग्वेज। चलिए जानते हैं नेक्स्ट एनिमल्स के बारे में और वाक्य में प्रयोग करेंगे। अगला है डॉग, बाऊ बाऊ जो करता है, हमारे आजू बाजू भी भौंकता रहता है हमेशा, कुत्रो कुत्ता हिंदी, डॉग इंग्लिश, कच्छी में बोलेंगे कुत्तो, कच्छी में क्या बोलेंगे कुत्तो। देखिए दोस्तों मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सुनिए, कुत्तो क्या बोलेंगे कुत्तो। चलिए वाक्य में प्रयोग करते हैं, कुत्रो अजाना व्यक्ति पर भस्तो हतो हतो, कुत्ता एक अजनबी पर भौंक रहा था हिंदी में, द डॉग वॉज बार्किंग एट ए स्ट्रेंजर इंग्लिश में। चलिए अब सेंटेंस कच्छी में जानते हैं, कोतो नोले मारुते भस्योते, कोतो नोले मतलब अजाण्यो अजनबी, मारू मतलब मानस, ते भस्योते भस्योते मतलब भस रहा था, भस्तो हतो पास्ट टेंस भूतकाल में बात हो रही है, ठीक है ना, कोतो नोले मारुते भस्योते, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोतो नोले मारुते भस्योते, ठीक है दोस्तों समझ में आ गया, कुत्रो मतलब कोतो, कोतो नोले मारुते भस्योते। नेक्स्ट है ऊंट, ऊंट हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे कैमल, और कच्ची में बोलेंगे ऊंट, कच्ची में बोलेंगे ऊंट, ऊंट ऊंट कैमल और कच्ची में बोलेंगे ऊंट। चलिए वाक्य में प्रयोग करेंगे, ऊंट घना महीना सुधी महीनाओं सुधी पानी वगर रही सके, ऊंट घना महीनाओं सुधी पानी वगर रही सके गुजराती माँ, ऊंट बिना पानी के महीनों तक जीवित रह सकता है इन हिंदी में, कैमल कैन सर्वाइव फॉर मंथ्स विदाउट वाटर्स इन इंग्लिश। चलिए अब कच्ची में क्या बोलेंगे, ऊंट गणे मेणे मेणे सुधी, गणे मेणे सुधी पानी पी वगर रह सके, ऊंट गणे मेणे मेणे सुधी पानी पी वगर रह सके। दोस्तों मिणे यहाँ पे एम ई एन ई जो लिखा है मिणे, गणे मेणे सुधी, मेणे मतलब महीना, सुधी पानी पी वगर रह सके, उठ गणे मेणे सुधी पानी पी वगर रह सके, ठीक है, ऊंट मतलब उठ, समझ में आया दोस्तों। चलिए जानते हैं नेक्स्ट वन, चलिए नेक्स्ट है संस्लू, गुजराती में संस्लू, हिंदी में खरगोश, इंग्लिश में बोलेंगे रेबिट, और कच्ची में बोलेंगे सोस्लो सोस्लो, ठीक है सोस्लो। वाक्य में प्रयोग करेंगे, संस्लू डरपोक प्राणी छे गुजराती माँ, खरगोश एक डरपोक जानवर है हिंदी में, ए रेबिट इज अ कावर्ड एनिमल इंग्लिश, और कच्ची में क्या बोलेंगे, चलिए कच्ची में जानते हैं क्या बोलेंगे, सोस्लो सोस्लो डरपोक जानवर आए, सोस्लो सोसलो द्रजेणु जनावर आए, द्रजेणु डरपोक भी बोल सकते हो, द्रजेणु कच्छी प्योर कच्छी में, द्रजेणु जनावर आए, सोसलो द्रजेणु जनावर आए। चलिए दोस्तों जानते हैं नेक्स्ट एनिमल के बारे में, नेक्स्ट एनिमल है गेटू, गुजराती में गेटू, हिंदी में भेड़, और इंग्लिश में बोलेंगे सिप, और कच्छी में बोलेंगे गेटो, क्या बोलेंगे गेटो। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, गेटाना वाड़ ऊपरना वाड़ थी, गेटाना ऊपरना वाड़ थी गर्म वस्त्रों बने छे, गेटाना जो ऊपर वाड़ो छे एनाथी वस्त्रों बने छे, गर्म वस्त्रों बने छे, भेड़ के ऊपरी बालों से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं,
वार्म क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप, इंग्लिश में। अब कच्छी में क्या बोलेंगे, घेटे जे वारे थी गरम लुगड़ा बनेता, घेटे जे वारे थी गरम लुगड़ा, लुगड़ा मतलब कपड़ा, घेटे मतलब घेटा, वार वारे मतलब बाल, गरम मतलब गरम, लुगड़ा बनेता, बनेता मतलब बन रहे है, घेटे जे वारे थी गरम लुगड़ा बनेता। समझ में आया दोस्तों, घेटे जे वारे थी गरम लुगड़ा बनेता। चलिए जानते हैं नेक्स्ट एनिमल के बारे में, चलिए जानते हैं अंतिम एनिमल के बारे में, पेट एनिमल के बारे में, गधा। आप सब जानते हो गधेड़ो, गुजराती में गधेड़ो, हिंदी में गधा, और इंग्लिश में डोंकी। अब कच्छी में क्या बोलेंगे, गडोड़ो, कच्छी में बोलेंगे गडोड़ो। चलिए वाक्य में प्रयोग करते हैं, गधेड़ो भारे सामान उचकी सके छे, गुजराती में गधा भारी सामान उठा सकता है, हिंदी में डोंकी कैन लिफ्ट हैवी गुड्स, इंग्लिश में। अब कच्छी में बोलेंगे गडोड़ो भारी सामान खाने सके, गडोड़ो भारी सामान खाने सके, खाने मतलब उच्च की सके छे, उठा सकता है, गडोड़ो भारी सामान खाने सके। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि कच्छी जो आपने इस वीडियो के माध्यम से जो एनिमल्स के नाम सीखे कच्छी में, आपको जानने को मिला होगा, आपको सीखने को मिला होगा। अगर मेरा ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल में हम कच्छी सीख रहे हैं, और आप कच्छी सीखना चाहते हो तो प्रॉपरली इस चैनल से आप कच्छी सीख सकते हैं। चलिए मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।